रही है। चलिए दीपक यादव जी के पास चलते हैं। दीपक जी को नमस्ते। नमस्कार सर जी, विपुल जी को, विपुल सर को नमस्कार मेरा, और नमस्कार दीपक जी। जी जी, अंशुल जी ने आपका नमस्कार स्वीकार कर लिया। कहाँ से बोल रहे हैं पहले ये बताइए। सर जी मैं गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ। सर क्या सवाल है आपका? अच्छा मेरा सर सवाल है NBCC पर। NBCC का मैंने आपको रेट भी भेजा हुआ है। NBCC मेरे पास 117 रुपए के रेट में 90 शेयर है। अच्छा, और NHPC है 90 रुपए के रेट में 255 शेयर। अच्छा, NBCC आपने बताया? अपोलो माइक, NBCC 117 और 90, ठीक है। अभी इन दो पे बात कर लेते हैं सर। NBCC से शुरुआत करते हैं। NBCC जो है अभी 111 पे है, 117 पे आपने ले रखे हैं। इस शेयर में भी काफ़ी अच्छी रही थी तेजी, लेकिन PSU की पिटाई में ये पिटा है। अच्छी बात यह कि आपको ज़्यादा नुकसान यहाँ पर नहीं है और 5-6 रुपए का नुकसान हो रहा है। और आपका नज़रिया भी ऐसा नहीं है कि 5-10 दिन या 1 महीने 2 महीने का हो। NBCC पे क्या राय रहेगी सर, 5-6 रुपए के नुकसान पे हैं अभी? देखिए विपुल जी, एक शायर है अजहर इकबाल, उनका पूरा शेर तो याद नहीं आ रहा, लेकिन आखिरी लाइन मुझे याद आ रही है। और ये जो लास्ट में जितने भी स्टॉक्स में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, चाहे रेलवे हो, डिफेंस हो, इंफ्रा हो, इन सब में जो लोग फंसे हैं उनके लिए मैं एक शेर बता देता हूँ उनका। ये पहला इश्क है तुम्हारा सोच लो, मेरे लिए रास्ता नया नहीं। मैं HEG के बाइंग क्लाइमेक्स से देखते आ रहा हूँ स्टॉक्स को, कि बाइंग क्लाइमेक्स के बाद कितना फ्रस्ट्रेशन होता है। 5-5, 8-8 साल स्टॉक वहीं पड़े रहते हैं, तो NBCC केवल 6 रुपए का लॉस हो रहा है। जल्दी से बुक करके स्टॉक से बाहर हो लीजिए, धीरे धीरे करके स्टॉक आपको ऑल टाइम हाई से 30-35% तो आराम से करेक्ट होते हुए दिखेगा, जैसे HAL और बाकी काउंटर शॉर्ट टर्म में हुए हैं। ये स्टॉक भी आपको आराम से करेक्ट होते हुए दिखेगा। ओवरऑल स्टॉक का टारगेट 69 रुपीज आता हुआ दिख रहा है बाइंग क्लाइमेक्स के बाद, और बाइंग क्लाइमेक्स में एक फील्ड ब्रेकआउट भी है। तो अभी लॉन्ग्स का फ्लश पूरी तरीके से आया नहीं है, जो कि आना स्टार्ट होगा 102 रुपए के नीचे। तो जैसे ही 102 तोड़ेगा, 69 तक नीचे में आ सकता है। तो एक बार के लिए स्टॉक से आपको बहुत कम लॉस हो रहा है, 5-6 रुपए का लॉस है, एक बार निकल जाइए। निकल जाइए सर, फिलहाल के लिए तो ये राय आपके लिए निकल के आ रही है।